प्यारे बच्चों आपका फिर स्वागत है री क्लासेस रोजावान में। हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें टॉपिक चल रहा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को दिया था एंटोनी लेवोजियर ने, एंटोनी लेवोजियर ने दिया था इसे, और ईयर था 1789, ये ईयर था। आपको मालूम होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पांच लॉज हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और पांचवा लॉ है गैलुजक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। कितने लॉ हैं? पांच। इस वीडियो में फर्स्ट लॉ की पूरी डिटेल आएगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। इसको दिया एंटोनी लेवोजियर ने, ईयर था 1789। यहां तक बात हो गई, अब अगली डिटेल पूरी सुने। ये देख पा रहे हैं आप सारा, अब स्टार्ट करें। इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने कहा ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज देयर इज नो लॉस ऑफ मास, देयर इज नो लॉस ऑफ मास, दैट इज मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोला उन्होंने, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज there is no loss of mass, that is mass of products is always equal to mass of reactants। उन्होंने बोला कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज हो तो हमेशा मास पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी प्रोडक्ट का मास हमेशा रिएक्टेंट के मास के बराबर होगा। तो उन्होंने कहा चाहे फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, मास कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, चेंज नहीं होता है। जितना मास प्रोडक्ट का होता है वो रिएक्टेंट के इक्वल होता है। ठीक, कहा किसने, एंटोनी लेवोजियर ने 1789 में। ठीक है, यानी सीधा सीधा कह रहा है अगर कोई भी रिएक्शन हो, चाहे उसमें फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, मास का कोई नुकसान नहीं होगा, हमेशा रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के बराबर होगा, या यूं कह लो प्रोडक्ट का मास हमेशा रिएक्टेंट के बराबर होगा। ठीक, अब बात आती है यहां पर इसको सुनने के बाद, सर एक बात बताइए कि इस लॉ को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं लैब में, है ना? तो बेटा इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट है लैंडॉल्ट एक्सपेरिमेंट। कौन सा? लैंडॉल्ट। लैंडॉल्ट ने इस लॉ को वेरीफाई किया लैब के अंदर। वेरीफाई करने का मतलब सत्यापित करना, साबित करना। उन्होंने एक एस शेप ट्यूब ली, कैसी ट्यूब ली, एच शेप, आपको साफ नजर आ रहा है एच शेप ट्यूब बनती जा रही है। एच शेप ट्यूब ली है ना, उस ट्यूब की दो आर्म है, आर्म समझ रहे हैं, हिंदी में बुझाएं, इंग्लिश में आर्म्स, तो इसमें दो आर्म्स हैं, आर्म फर्स्ट आर्म सेकंड, है ना, दो आर्म है। एक के अंदर उन्होंने भरा NaCl, एक के अंदर भरा AgNO3, एक के अंदर NaCl सॉल्यूशन और एक के अंदर भरा उन्होंने AgNO3 सॉल्यूशन। ठीक, अब उसके बाद उन्होंने इन सब का वेट कर लिया, इसको बंद है, ये सील्ड है, इसे तोल लिया,
मान लो सब चीजों का यानी इस कांच का, NaCl का, AgNO3 का, इनका कंबाइंड मास x ग्राम आया। कितना आया? x ग्राम। किस किस का? x ग्राम के अंदर कौन कौन है? इसके अंदर ये कांच भी है यानी ट्यूब का वजन भी है, प्लस NaCl का वजन भी है और प्लस AgNO3 का वजन भी है, यानी दोनों केमिकल का वजन प्लस कांच का वजन मिलाकर कितना है? x। ग्लास का वेट NaCl AgNO3 का वेट मिलाकर कितना है? x ग्राम है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस ट्यूब को पकड़ के शेक किया। शेक करने से इधर के कंटेंट इधर जाएंगे और सिमिलरली इधर के कंटेंट इधर आएंगे। शेक किया तो रिएक्शन हुई। क्या हुई? रिएक्शन। जो रिएक्शन हुई उसे लिख देते हैं थोड़ा सा ऊपर। रिएक्शन हुई NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। पहले वजन कितना था? x। अब उन्होंने दोबारा तोला तो अब भी वजन x आया, लेकिन अब x ग्राम में क्या क्या है? ट्यूब, NaCl AgNO3 खत्म हो गए हैं, उनकी जगह देखो पहले NaCl AgNO3 थे, अब AgCl और NaNO3 बन गया है, AgCl NaNO3। तो पहले इन तीनों का वजन मिला के x था, ये रिएक्टेंट थे, अब ये प्रोडक्ट बन गए, लेकिन वजन अभी भी x का x ही रहा। तो इस तरीके से हमने देखा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बाद भी मास में कोई चेंज नहीं हुआ। पहले रिएक्टेंट थे तब भी मास x था, अब प्रोडक्ट्स बन गए तब भी मास x है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कोई भी मास का चेंज नहीं हुआ। इस एक्सपेरिमेंट ने यह साबित किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल सही है कि रिएक्टेंट से तब भी जो वजन था प्रोडक्ट बनने के बाद भी वजन उतना ही रहा, वजन में कोई चेंज नहीं आया। तो इससे ये लॉ वेरीफाई हो गया। अब बात आती है इस लॉ की प्रेजेंट कंडीशन क्या है, यानी कि इस लॉ को मॉडर्न पोजीशन में हम कहां देखते हैं, क्या ये लॉ सही है या इसमें कोई एरर है। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इस लॉ से रिलेटेड, ये हटा रहा हूं, नोट कर लें। डायग्राम समझ में आ गया? कौन सी ट्यूब ली? एस शेप। किसने ली? लैंडॉल्ट ने। एक में NaCl, एक में AgNO3, एक में NaCl, एक में AgNO3 सॉल्यूशन। मिक्सिंग करने पर ये दोनों बन गए, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं आया। लॉ वेरीफाई हो गया, साबित हो गया, सत्यापित हो गया। अब बात आई प्रेजेंट कंडीशन में ये कहां पर स्टैंड करता है ना? तो हेडिंग आ जाएगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन प्रेजेंट कंडीशन। मतलब आजकल हम इसे सही मानते हैं या गलत मानते हैं, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन द मॉडर्न लाइट ऑफ एजुकेशन, यानी आजकल इसका क्या व्यू है। बेटा देखो रिएक्शन जो आजकल है, रिएक्शन जो होती है वो दो टाइप की होती है, केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है ये भी दो टाइप की होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन का इस्तेमाल आपने पढ़ा होगा, यूरेनियम को ब्रेक करते हैं और इससे हम आगे चलकर बनाते हैं एटम बॉम्ब। और न्यूक्लियर फ्यूजन का होता है सन पर, सन अपनी एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है, सन की एनर्जी का सोर्स न्यूक्लियर फ्यूजन है। तो बेटा याद रखना ये लॉ केमिकल रिएक्शन में तो सही है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में ये लॉ फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल। क्यों? न्यूक्लियर रिएक्शन में क्यों फेल है, केमिकल रिएक्शन में क्यों सफल है? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन में आइंस्टीन इक्वेशन काम करती है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहां पे E एनर्जी है, M मास है या मास डिफेक्ट कह सकते हैं, C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। यानी मैं आपको साफ कहना चाह रहा हूं न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो होती हैं, उनमें हमेशा प्रोडक्ट का मास
न्यूक्लियर फ्यूजन में भी फिशन में भी प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से हमेशा कम होगा। रिपीट, प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से हमेशा कम होगा। और जो दोनों मासों का डिफरेंस है वो एम है, और इसमें जब लाइट की स्पीड के स्क्वायर का मल्टीप्लाई होता है तो एनर्जी बनती है। वो ही एनर्जी हमें मिलती है एटम बॉम्ब की फॉर्म में, जो इतना विध्वंस करती है कि पूरी दुनिया को ही नष्ट कर सकती है। आपने जापान में केस सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी का, है ना, पूरे दोनों शहर तबाह हो गए दो एटम बम डालने से। तो उसमें इतनी एनर्जी कहां से क्रिएट हुई? क्योंकि उनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मास का डिफरेंस था, प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से कम था, और जो मास का डिफरेंस था उसी ने एनर्जी क्रिएट करी, उसी से हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो गए। और सन जो आपको रोजाना इतनी एनर्जी देता है, इससे आप कपड़े सुखाते हैं, सोलर लाइट बनाते हैं, है ना, जितना भी काम करते हैं सन की एनर्जी से। एक घर को जलाने, एक घर के अंदर आदमी 10 ट्यूबलाइट लगाता है तब भी इतनी रोशनी नहीं है, और अकेला सूरज पूरी धरती पर इतनी रोशनी देता है कि कोई ट्यूबलाइट जलाने की जरूरत नहीं है। तो इतनी सारी एनर्जी उस पर आई कहां से? वो एनर्जी आई उस पर न्यूक्लियर फ्यूजन से। रोजाना सन के अंदर रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और प्रोडक्ट है हीलियम। रोजाना सन के अंदर हाइड्रोजन से हीलियम बन रही है, लेकिन हीलियम का मास हाइड्रोजन से कम होता है, और जो दोनों के मास में डिफरेंस है वो ही एनर्जी बनती है। उसी एनर्जी से सन आपको इतनी एनर्जी दे रहा है ना। तो रोजाना रोजाना सन का मास कम हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि प्रेजेंट कंडीशन में अगर हम देखें तो ये लॉ केमिकल रिएक्शन में तो वैलिड है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इन रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के इक्वल नहीं होता है, बल्कि प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से कम होता है। और जो मास में कमी होती है वही या तो एटम बम के रूप में विध्वंस करता है या सन की एनर्जी के रूप में पूरी दुनिया को चमका देता है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंडीशन में ये लॉ केमिकल रिएक्शन में तो वैलिड है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन में ये लॉ इनवैलिड है, क्योंकि इन रिएक्शन में प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के इक्वल नहीं होता है, बल्कि प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से कम होता है। ये पूरी डिटेल हो गई बच्चों, सामने से हट गया हूं, ये पूरी डिटेल हो गई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो इस वीडियो में मैंने पहले बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ये लॉ किसने दिया, कौन से साल में दिया, इस लॉ को लैंडॉल्ट ने कैसे साबित किया, और आजकल ये लॉ कहां वर्क करता है कहां नहीं करता है, मतलब केमिकल रिएक्शन में वैलिड है और न्यूक्लियर रिएक्शन में इनवैलिड है, और उसका कारण भी बताया ये इनवैलिड क्यों है। ठीक है, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल अल्ट्रा क्लियर हो गया होगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नए लॉज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।